हेलो एवरीवन वन अर इस टॉपिक इज़ फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ठीक है पार्टनरशिप के बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ठीक है so, सो आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म बनती कैसे है वो फॉर्म कैसे होती है ठीक है अब पार्टनरशिप फॉर्म इज़ फॉर्म्ड वेन टू और मोर पर्सनस एंटर इन टू एन एग्रीमेंट टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म यानी जब दो या दो से ज़्यादा लोग एग्री करते हैं ठीक है थीके? एक एग्रीमेंट बनाते हैं पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए जब वो लोग रेडी होते हैं तब उनकी जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म बनती है ठीक है दिस एग्रीमेंट कैन भी ओरल और रिटर्न ये एग्रीमेंट वो लोग ओरल फॉर्म में भी हो सकता है या रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है एग्रीमेंट मतलब क्या होता है पार्टनरशिप डीड होता है जिसमें उनकी पार्टनरशिप की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो मैंशन होती हैं ठीक है अब इसको वो औरली भी, भी डिसाइड कर सकते हैं कि लाइक कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आएगा ठीक है क्या उनका प्रॉफिट शेयरिंग का रेशो क्या होगा क्या राइट्स होंगी क्या ड्यूटीज़ होंगी ठीक है तो ये ओरली भी वो लोग एक दूसरे को डिस्कस कर सकते हैं या फिर वो रिटर्न फॉर्म में भी उसको एक पूरी पार्टनरशिप डीड रिटर्न फॉर्म में भी बना सकते हैं ठीक है बट प्रेफर किया जाता है कि वो रिटर्न फॉर्म में ही हो तो जिससे अगर आपके फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं ना तो वो रिटर्न फॉर्म में होगा तो वो ज़्यादा सूटेबल होगा ठीक है आफ्टर साइनिंग द एग्रीमेंट पार्टनरशिप फॉर्म कम्स इन टू एन एग्जिस्टेंस यानी जब सारे पार्टनर उस एग्रीमेंट को साइन करेंगे उससे एग्री होंगे तब जाके पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है एग्जिस्ट करती है ठीक है तो अब पार्टनरशिप डीड होता क्या है जो ना हमने एग्रीमेंट पढ़ा वो होता है एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड ठीक है पार्टनरशिप डीड क्या होता है द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड यानी जो भी उनकी पार्टनरशिप की टर्म्स कंडीशन है वो सारी उस डॉक्यूमेंट में मैंशन होंगी वो कहलाता है पार्टनरशिप डीड ओके इट ऑल्सो कंटेंस द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनरशिप फर्म यानी कि क्या राइट्स uh, हैं क्या ड्यूटीज़ हैं पार्टनर्स की ये सारी चीज़ें इसमें मैंशन होती हैं द कॉमन कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड आर ठीक है are, क्या क्या कॉमन कंटेंट होते हैं इसमें सबसे पहले तो नेम ऑफ द फर्म फर्म का क्या नेम होगा नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स पार्टनर्स का नेम और उनका एड्रेस नेचर ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस का टाइप क्या है किस टाइप का बिजनेस करना चाह रहे हैं वो लोग ठीक है प्लेस ऑफ बिजनेस यानी कि बिज़नेस का प्लेस एड्रेस क्या है बिजनेस का कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई ईच पार्टनर यानी सारे पार्टनर कितनी कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल को कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे मतलब कि कौन सा पार्टनर कितने कौन पार्टनर कितनी कैपिटल को लेकर आएगा ठीक है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होने वाला है राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगी पार्टनर्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे टू पार्टनर ऑन देयर कैपिटल यानी जो उनने कैपिटल इन्वेस्ट किया पार्टनर में उनको किस रेट से इंटरेस्ट मिलने वाला है सैलरी पे टू पार्टनर यानी कौन से पार्टनर को सैलरी दी जाएगी कितनी सैलरी लाइक कई टाइप के पार्टनर होते हैं हमने पहले देखा था टाइप ऑफ पार्टनर में एक्टिव पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर तो अब एक्टिव पार्टनर अगर काम कर रहा है डे टू डे मैनेजमेंट एक्टिविटीज कर रहा है तो उसके लिए कुछ सैलरी भी लेगा तो कितनी सैलरी दी जाएगी ठीक है प्रोविजन ऑफ रिटायरमेंट और डिजोल्यूशन रिटायरमेंट का क्या प्रोविजन uh, है डिजोल्यूशन कब डिजोल्व होगा आपका पार्टनरशिप एट विल है यानी किस uh, किस टाइम पीरियड पे आप डिजोल्व करोगे किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनाई है आपने या कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे है ठीक है डिजोल्यून का क्या प्रोविजन है मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स एक्सेट्रा यानी कोई डिस्प्यूट होता है वाद विवाद होता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे ठीक है यानी इस टाइप से सारी जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो इसमें मैंशन होती है पार्टनरशिप डी नाउ कम टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ठीक है अब हमने पार्टनरशिप डीड बना ली अब पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन कराना सबसे पहले बात तो ये कि नॉट कम्पल्सरी कंपलसरी नहीं है वॉलेंट्री है पार्टनर्स चाहें तो करवा सकते हैं चाहें तो नहीं भी करवा सकते हैं ठीक है बट अनरजिस्टर्ड फॉर्म सफर फ्रॉम द फॉलोविंग प्रॉब्लम अगर लेकिन आप फर्म ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है अपने पार्टनरशिप फॉर्म का तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा ठीक है क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी फर्स्ट पार्टनर्स कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट पार्टनरशिप फॉर्म यानी को पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते हैं अगर आपकी फॉर्म अनरजिस्टर्ड है तो ठीक है पार्टनर्स कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर ना ही वो किसी और पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं लाइक किसी और पार्टनर ने uh, कुछ धोखा वगैरह दिया है कुछ इस तरीके से उन्हें तो डिजॉनेस्ट है अगर वो तो वो उसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते हैं ठीक है फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी फॉर रिकवरी ऑफ क्लेम यानी ना ही फॉर्म किसी थर्ड पार्टी के लिए किसी आउटसाइडर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है अगर उसने आपके पैसे वगैरह नहीं दे रहा तो आप उसके अगेंस्ट भी केस फाइल नहीं कर सकते अगर आपकी फर्म जो है वो अनरजिस्टर्ड है ठीक है द फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट ऑफ द पार्टनर और ना ही पार्टनरशिप फॉर्म किसी पार्टनर्स के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है ना ही पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं और ना ही फॉर्म पार्टनर्स के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है अगर रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं किया हुआ है तो ठीक है इसलिए प्रेफर किया जाता है कि रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए अब रजिस्ट्रेशन करवाने की प्रोसीजर क्या है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म कैन भी रजिस्टर्ड एट एनी टाइम सबसे पहली चीज तो आप किसी भी टाइम रजिस्टर करा सकते हो एट द फॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन यानी जब आपने पार्टनरशिप फॉर्म बनाई फॉर्म की तब भी करवा सकते हो और अगर तब नहीं करवाया तो लेटर यानी बाद में जब पार्टनर्स की इच्छा हो तब भी वो करा सकते हैं ठीक है अब क्या प्रोसीजर होगी इसकी फॉर रजिस्ट्रेशन पार्टनर्स हैव टू अपलाई द रजिस्ट्रार इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म ठीक है एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में आपको रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करना होगा इसके लिए यानी जो फॉर्म दिया हुआ है उस फॉर्मिट के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना होगा रजिस्ट्रार को अलॉन्ग विथ रजिस्ट्रेशन फीस रजिस्ट्रेशन फीस जो भी होगी उसके साथ एंड अंग विथ एप्लीकेशन विद द फॉलोविंग इन्फॉर्मेशन यानी कि एक एप्लीकेशन देना होगा ठीक है एक एप्लीकेशन देना होगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें देनी होगी आपको ठीक तो है? है? है, है तो क्या इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देनी है नेम ऑफ द फर्म आपकी फर्म का नेम क्या है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द फर्म यानी कि उसका जो फर्म का हेड ऑफिस है उसका एड्रेस एड्रेस ऑफ द ब्रांच ऑफिस अगर फर्म की कोई ब्रांचेज हैं तो उनका एड्रेस डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर्स इन द फर्म यानी कि किस डेट में पार्टनर्स ने फर्म में एंटर किया था एडमिशन हुआ था उनका वो डेट देन आपको बताना होगा यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स सारे ही पार्टनर का नेम एंड एड्रेस ड्यूरेशन ऑफ द फर्म और कब तक आपके फर्म की क्या ड्यूरेशन है आपकी विल पे है या फिर कोई फिक्स टाइम पीरियड या कॉन्ट्रैक्ट बेस जो भी है वो ड्यूरेशन आपको यहाँ पे बतानी होगी ठीक है फिर एप्लीकेशन मस्ट बी साइन बाय ऑल पार्टनर्स यानी जो आपका एप्लीकेशन है उसमें सारे ही पार्टनर्स जो हैं उनको साइन करना पड़ेगा रजिस्ट्रार विल वेरीफाई अबव इन्फॉर्मेशन ठीक है तो रजिस्ट्रार वेरीफाई करेगा जो भी हमने उनको इन्फॉर्मेशन दी है वो सब उसको वेरी वेरीफाई करेगा अगर वो सेटिस्फाई होता है इफ़ सेटिस्फाई विल इशू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि सारी इफॉर्मेशन करेक्ट है अगर वो सेटिस्फाई होता है तो आपको सर्टिफिकेट दे देगा रजिस्ट्रेशन का ठीक है फॉर्म गेट बेनिफिट ऑफ अ रजिस्टर्ड फॉर्म और उसके बाद जब उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का तो फॉर्म जो है वो उसको बेनिफिट मिलेंगे रजिस्टर्ड फॉर्म के ठीक है जैसे कि हमने देखा था कि अगर फर्म अनरजिस्टर्ड होगी तो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी बट रजिस्ट्रेशन के बाद फर्म को ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे रजिस्टर्ड फॉर्म के आफ्टर रजिस्ट्रेशन इफ़ एनी चेंजेस आर मेड इन फॉर द सेम चेंजेस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द रजिस्ट्रार अगर आप रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन में कुछ चेंजेस होते हैं लाइक like फॉर्म के हेड ऑफिस में या जो भी हमने इंफॉर्मेशन बताई है उसमें कुछ चेंज होता है तो सेम चेंज आपको रजिस्ट्रार को कम्युनिकेट करना पड़ेगा ठीक है सो so, कैसे होता है फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म जब दो या दो से ज़्यादा लोग एग्री होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म बनाने के लिए एक एग्रीमेंट साइन करते हैं पार्टनरशिप डीड बनाते हैं ठीक है तब जाके उनकी जो पार्टनरशिप है वो बनती है पार्टनरशिप डीड में आपकी ये सारी जो कंटेंट्स हैं वो आपके मैंशन होने चाहिए उसके बाद हम क्या करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है चाहे पार्टनर्स तो करवा सकते हैं अदरवाइज वॉलन्ट्री है रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो केस फाइल नहीं कर सकते हैं किसी के भी अगेंस्ट ठीक है और अगर करवाना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन तो कम मतलब टाइम ऑफ फॉर्मेशन के टाइम पर भी करवा सकते हैं या बाद में भी करवा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म है उस फॉर्म में रजिस्ट्रार को अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी एप्लीकेशन देना पड़ेगा ये सारी इन्फॉर्मेशन के साथ ठीक है और इसके बाद रजिस्ट्रार वेरीफाई करेगा सारी इंफॉर्मेशन को अगर वो उससे सैटिस्फाई होगा तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा फॉर्म को जो है उस रजिस्टर्ड फॉर्म के बेनिफिट मिल जाएंगे कोई चेंजेस होते हैं अगर बाद में तो आपको वो रजिस्ट्रार को कम्युनिकेट करने पड़ेंगे सो आई होप दैट टूडेस टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग